नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सावधान, आपके शरीर से भी आती है पसीने की बदबू, तो इन बीमारियों का हो सकता है संकेत। गर्मियों के मौसम में पसीना हर किसी को आता है, लेकिन पसीने से आने वाली स्मेल की बात करें तो बहुत से लोगों को इस कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पसीने से स्मेल आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पसीने से बेहद गंदी स्मेल आती है तो यह कुछ बीमारियों की ओर इशारा करता है। गर्मियों के मौसम में पसीना आना काफी आम होता है। कुछ लोगों के पसीने से इतनी गंदी स्मेल आती है कि उनके साथ 2 मिनट बैठना भी भारी हो जाता है। ऐसे लोगों को पसीने से आने वाली बदबू के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि पसीना क्यों आता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर आपके पसीने से गंदी बदबू आती है तो यह किस बीमारी की ओर इशारा करता है। शरीर से आने वाली बदबू क्या है? जब आपका पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो इससे शरीर में बदबू आती है। बता दें कि पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन आपकी त्वचा के बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं। शरीर से मीठी, खट्टी, तीखी या प्याज जैसी स्मेल आ सकती है। आपके पसीने की मात्रा आपके शरीर की गंध को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए किसी व्यक्ति को अगर पसीना नहीं भी आता तो भी उसके शरीर से दुर्गंध आ सकती है। वही अगर किसी व्यक्ति को पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके शरीर से दुर्गंध भी आएगी। शरीर से आने वाली स्मेल इस बात पर निर्भर करती है कि आपके शरीर में किस तरह के बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया पसीने के कैसे संपर्क करते हैं। त्वचा की सतह पर मौजूद पसीने की ग्रंथियों से पसीना आता है। हमारे शरीर में 2 तरह के पसीने की ग्रंथियाँ होती है, एक्राइन और एपोक्राइन। शरीर में स्मेल पैदा करने के लिए एप्रोक्राइन ग्रंथियाँ जिम्मेदार होती है। एक्राइन ग्रंथियाँ स्किन की सतह पर पसीना लाती है। जैसे ही पसीना सूखता है ये हमारी स्किन को ठंडा करने और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये शरीर में बदबू पैदा नहीं करती है। जब किसी फिजिकल एक्टिविटी या गर्मी की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो स्किन से पसीना का सूखना ठंडक पैदा करता है। एक्राइन ग्रंथियाँ हथेलियों और तलवों के साथ ही शरीर के बहुत से हिस्सों को कवर करती है। एप्रोक्राइन ग्रंथियाँ पसीने का उत्पादन करती है, जो आपकी त्वचा पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर दुर्गंध पैदा करती है। युवावस्था तक एप्रोक्राइन ग्रंथियाँ काम करना शुरू नहीं करती। यही वजह है कि छोटे बच्चों के शरीर में बदबू नहीं आती। इन चीज़ों के सेवन से आती है पसीने में बदबू। पसीना आना बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ों के सेवन, जेनेटिक और हाइजीन के चलते पसीने से दुर्गंध आने लगती है। आइए जानते हैं किन चीज़ों के सेवन से पसीने में स्मेल आती है। प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, लाल मांस शरीर में आने वाली बदबू को बढ़ा सकती है। ये चीज़ें, कैफीन, मसालेदार चीज़ें, शराब, किन कारणों से आती है पसीनों में बदबू? ऐसे बहुत से कारण हैं जिन वजहों से पसीने से बदबू आती है। उदाहरण के लिए दवाई, सप्लीमेंट्स के सेवन से भी पसीने में स्मेल आ सकती है। कुछ बीमारियों भी पसीने से स्मेल आने के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे डायबिटीज, गठिया, मेनोपोज, ओवर एक्टिव थायराइड, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, संक्रामक रोग। अगर आपको डायबिटीज है तो पसीने की स्मेल में बदलाव डायबिटीज केटोएसिडोसिस का संकेत हो सकता है। हाई कीटोन के लेवल के कारण आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसके आपके पसीने से फ्रूटी स्मेल आती है। लीवर या किडनी की बीमारी होने पर शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिससे पसीने से ब्लीच की तरह बदबू आती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।